एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बुलढाणा में एक सार्वजनिक बैठक की थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस बैठक में कथित तौर पर औरंगजेब के नाम पर नारे लगाए गए और अब इस पर कई राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और औरंगजेब के नाम पर दिए गए नारों की निंदा की है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद बताया कि बुलढाणा की सभा में औरंगजेब के नाम पर कोई नारे नहीं लगाए गए। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि मीडिया के जरिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं और मुसलमानों से नफरत की जा रही है। झूठ चलाते आप लोग दोनों चैनल वाले, केस बुक करूंगा आप लोगों पे, जवाब दे सकते हो उसका। कम से कम झूठ तो मत चलाओ, बोलो तुम्हारे एडिटर को कितनी झूठ चलाएंगे, कितनी नफरत करेंगे तुम मुसलमानों से। क्यों झूठ चलाते तुम, सुने तुम वहां पे पुलिस नहीं थी वहां पे, झूठ पे झूठ चलाए तुम दोनों चैनल वाले। शर्म आना आप लोगों को, हटाइए जाइए। झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे आप, केस बुक करूंगा आप पे, नोटिस भी आता हूं। लेकिन ओवैसी की सफाई के बाद भी विवाद थम नहीं रहा। इस बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीधे तौर पर ओवैसी को चेतावनी दी है। नवनीत राणा ने एक वीडियो के जरिए कहा कि महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, इसलिए आपके नारे और भड़काऊ भाषण नहीं सुने जाएंगे। ओवैसी को अपनी हद में रहना चाहिए। नवनीत राणा ने चेतावनी दी कि औरंगजेब के नाम पर की गई घोषणाएं राज्य में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंगजेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रह के भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी जी ने एक चीज याद रखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार नहीं है। जो आपके नारे बर्दाश्त किए जाएंगे या भड़काऊ भाषण आप जो दे रहे हैं महाराष्ट्र में आके, मुझे लगता है ओवैसी ने अपने लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण और औरंगजेब के नारे नहीं चलेंगे, ये याद रखना चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र में आने की उन्होंने ताकत रखनी चाहिए। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी होने वाली है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नूपुर शर्मा किस पार्टी की थी, किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, एक महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की वजह से विवादों में आ गई थी, जिसके बाद नूपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।